खुद से ही जीतने की जिद है और मुझे खुद को ही हराना है मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं शॉर्ट ट्रिक्स का धमाल मतलब यह कि आपको मैं सिखाऊंगा कि टेगलाइंस जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो कैसे याद करनी है कैसे पढ़नी है कैसे समझनी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो टेगलाइंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखते हैं पहली टेगलाइन जो है वो हमारे लिए क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रेंड्स जो है वो बेसिकली इसकी आप टेगलाइन याद रखें इंडिया इंटरनेशनल बैंक पर कैसे याद रखेंगे आप दिमाग में बैठाइए कि भैया बैंक तो बड़ौदा में है लेकिन इसका जो ब्रांचेस हैं वो पूरे दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी हैं तो भैया बड़ौदा का ये जो लोकल बैंक है या बड़ौदा का बैंक जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है उसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में है इसलिए इसकी टेगलाइन क्या बनाई है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक आप याद रखेंगे क्लियर है याद रखेंगे क्या कि बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब वडोदरा का है ना छोटा सा बैंक अलकापुरी का जो है वो बैंक जो पूरी दुनिया में अपनी ब्रांचेस फैलाए हुए हैं और इसी वजह से इसको नाम दिया गया या इसको टैगलाइन दी गई इंडियाज इंटरनेशनल बैंक चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगली टैगलाइन हमें क्या याद रखनी है बैंक ऑफ इंडिया मतलब यह कि बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है तो आपको बता दूं रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग अब देखो सिंपल अगर इसे याद रखना है तो मैं आपको बता देता हूं देखिए बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है भारत का बैंक बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिंपल अगर इसकी हिंदी की जाए तो क्या होता है भारत का बैंक तो आप लोग याद रखो कि भैया भारत जो है इसमें संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है तो इसलिए आप याद रखिए भैया रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग भारत का बैंक बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारत में क्या होता है संबंधों को बहुत महत्व देते हैं है ना लोगों को अपनों को परिवार को बहुत महत्व देते हैं तो आप याद रखिए कि भैया बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है वो संबंधों से रिलेटेड है मतलब रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग याद कैसे आएगा जैसे पढ़ोगे बैंक ऑफ इंडिया हिंदी करोगे इसका क्या है भारत का बैंक भारत का बैंक है मतलब इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए, लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स है ना तो भैया रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग मतलब बैंकिंग से बढ़कर संबंध है ग्राहकों के साथ यह है बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन चलिए अब अगला बैंक है हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप याद रखिए कि भैया मराठा लोग महाराष्ट्र के लोग जो हैं अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं याद रखिए है ऐसे कि महाराष्ट्र के लोग किसको महत्व देते हैं परिवार को बहुत महत्व देते हैं इसलिए उन्होंने अपनी जो टैगलाइन बना के रखी है एक परिवार एक बैंक या फिर वन फैमिली वन बैंक वहां पर सारा परिवार जो है वो एक ही बैंक में अकाउंट खोलता है और इसीलिए वहां पर टैगलाइन क्या है वन फैमिली वन बैंक अच्छा ये बात सत्य नहीं है ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं जिनसे कि आप इन्हें मेमोराइज कर सकते हैं क्लियर है तो भैया नहीं तो आप इंटरव्यू में पता चला बोल दो इंटरव्यूर को कि भाई साहब महाराष्ट्र में लोग परिवार को बहुत महत्व देते हैं इसलिए यह टैगलाइन टैगलाइन याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो टैगलाइन है वो क्या है वन फैमिली वन बैंक क्योंकि महाराष्ट्र में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मतलब क्वेश्चन मेरा कि अगले बैंक की तरफ अगले बैंक की टैगलाइन क्या है अगले बैंक की टैगलाइन है कैंद्रा बैंक टुगेदर वी कैन ये तो मुझे समझाना ही पड़ेगा आप खुद बता सकते हो भैया ये क्या है कैन कैन है ना एक कलर दूसरा ले लेता हूं आपको अच्छा लगेगा है ना ये जो कैन है सी ए एन कैन मतलब कर सकता है तो यहां पर भी क्या है कैन तो आपको याद रखना है कि भैया जो आपका कैनरा बैंक की टैगलाइन है वो क्या है टुगेदर वी कैन हम मिलके कर सकते हैं तो कैनरा बैंक में शुरू में इनिशियल क्या आ रहे हैं सी एन कैन और उसी से क्या बन गया टुगेदर वी कैन ये आपको याद रखेगा ठीक है अच्छा अब आपको याद रखना है अगले बैंक की टैगलाइन और अगला बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो आप खुद सोचो कि सेंट्रल है या सेंटर है तो सेंटर कहां होता है सेंटर होता है किसी गोले के बीचों बीच या किसी सर्कल के बीचों बीच तो मतलब यहां पर देखो क्या लिखा है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस अराउंड अराउंड समझ रहे हैं आप मतलब आपके चारों तरफ एक राउंड है उसमें बीच में सेंटर है तो आपको याद रखना है भैया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल में है इसलिए ये क्या कह रहा है कि भैया मैं सेंटर में हूं बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस मतलब यहां पर क्या है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि भैया मैं सेंटर में हूं आप चारों आपके चारों तरफ एक अच्छी जो है वो मैं दुनिया अच्छी जीवन जो है वो बना दूंगा फिर तो इसके बाद क्या है सेंट्रल टू यू सिंस नाइनटीन इलेवन तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया सौ ग्यारह में यह बैंक शुरू हुआ था आपको बता कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो पहला बैंक है विच वॉज फुल्ली ओन्ड बाय इंडियंस मतलब भारतीयों के द्वारा जिसके पहले मालिक ये कह लें कि पूरी तरह से ऐसा पहला बैंक जिसके मालिक भारतीय थे वो कौन सा बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 है ना पूर्ण स्वदेशी बैंक पहला ये तो आप याद रखेंगे इसकी जो है ये टेगलाइन क्या है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 इसका मतलब क्या है मतलब ये कि भैया 1911 से आप ही के बीच में है तो यहां भी सेंट्रल है यहां भी सेंट्रल है आप याद रखोगे तो दो टैगलाइन हो गई बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड सेंटर के अराउंड में और दूसरा क्या हो गया भैया सेंट्रल टू यू सिंस नाइनटीन इलेवन चलिए शुरू करते हैं आगे अगला जो है वो है ये इंडियन बैंक अब आप बोलोगे सर इसकी ट्रिक ऐसे मत बताने सर बैंक ऑफ इंडिया की बनाई तो भैया बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है क्या भारत का बैंक तो इसलिए उसकी ट्रिक जो टेक क्या बताई थी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ये क्या है इंडियन बैंक अंतर क्या है बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी बोलो भारत का बैंक और इंडियन बैंक को हिंदी बोलो तो भारतीय बैंक क्या है भारतीय बैंक हालांकि मतलब एक ही है लेकिन लिखने का तरीका तो अलग अलग है ना बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे भारत का बैंक और इंडियन बैंक को बोलेंगे भारतीय बैंक तो क्योंकि भारतीय बैंक है है ना इसलिए जो है ये आपका आप भी भारतीय हैं और ये भी भारतीय बैंक है इसलिए इसकी टैगलाइन क्या है योर ओन बैंक बात समझ रहे हैं ना ये आप भी भारतीय हैं ये भी भारतीय इसलिए योर ओन बैंक आपका अपना बैंक है ये इसकी टैगलाइन है अच्छा फिर उसके बाद बैंकिंग दैट ट्राइज एज गुड मतलब यह कि सिंपल सी बात है कि यह अच्छे से दुगना मतलब यह कि जो है बैंकिंग जो है जो अच्छे से भी दोगुना अच्छी है है ना अच्छे से दोगुना अच्छी है वो है तो आप ऐसे ही याद रखो भैया कि यह क्या है इंडियन बैंक है मतलब भारतीय बैंक है तो भारतीय बैंक है तो भारतीय बैंक की बैंकिंग कैसी है अच्छी से भी दोगुना अच्छी है, है ना तो यह बैंकिंग ट्वाइस ट्वाइज गुड मतलब अच्छे से दुगुना अच्छी बैंकिंग क्लियर चलिए अब उसके बाद फिर बात करते हैं अगले टेगलाइन की तरफ इंडियन ओवरसीज बैंक ध्यान रखिए जब वन शॉर्ट रिवीजन करूंगा तो आप लोगों से पूछूंगा अभी आप लोग भी फटाफट जो है वो इसे बताएंगे जब हमारा वीडियो आएगा इसका वन रिवीजन का जिसमें आपको मैं टेगलाइन बताऊंगा हेडक्वार्टर बताऊंगा आपको हेडक्वार्टर के बाद फिर मैं आपको हेड्स जो है याद कराऊंगा अगले वीडियो में और सारे वीडियो का एक वन शॉर्ट रिविजन इस चैप्टर का बनाऊंगा जिसमें आपको सारे हेड्स हेडक्वार्टर और टैगलाइन एक साथ पढ़नी पड़ेंगी या एक साथ पढ़ने को मिलेंगी है ना चलिए इंडियन ओवरसीज बैंक ओवरसीज का मतलब क्या होता है ओवरसीज का मतलब होता है समुंदर पार तो इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब ये ऐसा बैंक है जो समुंदर पार भी अपना बिजनेस पहुंचा रहा है तो अगर यह समुंदर पार अपना बिजनेस पहुंचा रहा है तो मतलब भैया ये बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ ग्रो किया जा सकता है क्योंकि ये सात समुंदर जा, पार जा रहे हैं तो अब सात समुद्र पार जा रहे हैं ओवरसीज पे जा रहे हैं मतलब इनके साथ हम ग्रो कर सकते हैं तो आप याद रखिए इंडियन ओवरसीज बैंक की टेगलाइन क्या रखी है क्योंकि यह सात समुंदर पार जाके अच्छा ग्रो करते हैं तो गुड पीपल टू ग्रो विथ ये ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके साथ ग्रो किया जा सकता है तो हो गया भैया गुड पीपल टू ग्रो विथ इज दैट क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक अब जो है यहां पर पंजाबी भी हैं और सिंधी भी हैं पंजाब एंड सिंध बैंक आप याद रखो वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ ये टैगलाइन कैसे याद रखें तो आपको तो पता है अगर पंजाबी व्यक्ति ने कहीं ढाबा खोल लिया रेस्टोरेंट खोल लिया कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया सर्विस जो है वो टॉप क्लास देता है और सिंधी लोग भी जो हैं वो इसीलिए फेमस हैं कि वो सेवा और सर्विस बहुत मन लगा के करते हैं जो भी बिजनेस करेंगे जो भी सर्विस शुरू करते हैं वो बहुत ही अप्रोप्रिएट देते हैं तो इसीलिए याद रखिए कि जो पंजाबी और सिंधी हैं ये किस चीज में अच्छे हैं ये सर्विस में बहुत अच्छे हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक की टेकलाइन क्या हो गई वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ इज क्लियर कितनी सही चीज हो गई आपको देखो पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाबी और सिंधियों की खासियत क्या है सर्विस अच्छी सर्विस देते हैं तो इसलिए पंजाब एंड सिंध बैंक की टेक्लाइन क्या हो गई वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ चलिए उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा कमेंट में बताया भी कीजिए भैया अगर आप कोई चीज एंजॉय करते हैं या जो भी आप फील करते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं जिस तरह से आपको याद हो रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्योंकि आपका ये जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो आपके विचारों से ही इंस्पिरेशन लेता है जैसे आप विचार हमें देते हैं जैसे सजेशंस आप हमें देते हैं उसके हिसाब से ही कस्टमाइज वीडियो आपके लिए लेकर आता है क्योंकि हमारा देह है फ्री एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन आपका सिलेक्शन हमारा सेटिस्फेक्शन चलिए शुरू करते हैं अगला भैया पंजाब एंड सिंध बैंक आपको याद रहेगा आपको रिवीजन भी कराऊंगा मैं चिंता मत कीजिए पंजाब नेशनल बैंक अब पंजाबी और सिंधी तो भैया दोनों का कॉमन क्या था सर्वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ सर्विस बहुत अच्छी है अब भैया पंजाब नेशनल बैंक अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो मान लो किसी ने कहा कि भैया वो एक पंजाबी बिजनेसमैन है तो जैसे ही आपने ये बात सुनी ना कि वो पंजाबी बिजनेसमैन है तो आपने वो वर्ड जो पर, सुना ना उसमें पंजाबी बिजनेसमैन है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा नॉर्मल लिया आपने लेकिन जैसे ही कहा पंजाबी बिजनेसमैन है तो दिमाग में आता है कि बड़ा बिजनेसमैन रहा होगा और नाम ही काफी है पंजाब वर्ड या पंजाबी वर्ड जुड़ जाता है मतलब उत्साह का प्रतीक है डेडिकेशन से काम करने का प्रतीक है तो आप पंजाबी नाम ही काफी है तो पंजाब नेशनल बैंक नाम ही काफी है तो भैया इसकी टैगलाइन भी शुरू होती है द नेम यू कैन बैंक इजे क्लियर नेम यू कैन बैंक अपॉन मतलब ये कि ऐसा नाम जिसके साथ आप बैंकिंग कर सकते हैं वो नाम है जिसके साथ आप बैंकिंग कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक अच्छा अब आप बोलोगे कि साहब पंजाब नेशनल बैंक ये भी है बड़े देश का बड़ा बैंक ये कैसे भैया तो आपको याद है पंजाब में एक मूवी बनी थी पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक मूवी बनी थी जिसमें कहा जाता था बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है ऐसा बोला था ना कौन सी मूवी थी डी डी एल जी दिल वाले ले पंजाब का जो है पूरा बैकग्राउंड था पंजाब का प्लॉट था तो आप याद रखें भैया कि वो पंजाब नेशनल बैंक है आप डी डी एल जे दिमाग में ले आएंगे और वहां पर क्या बोलेंगे बड़े देश का बड़ा बैंक क्लियर है तो बड़े देश का बड़ा बैंक वो भी पंजाब नेशनल बैंक के लिए बोलते हैं और दूसरा पंजाब की खासियत मैंने क्या बताई है वो ये है कि पंजाब नाम ही काफी है तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन चलिए हेल्प करेगा ये आपको आगे बात करते हैं अगला ओ हो 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइन लगी हुई है क्योंकि बैंक भी बड़ा है भाई बहुत सारी प्रचार की जो है पंक्तियां इसकी टैगलाइंस हैं पंचलाइंस हैं तो सबसे पहले अ बैंक ऑफ अ कॉमन मैन बोले तो आम आदमी का बैंक है ना बैंक ऑफ अ कॉमन मैन ये तो सही बात है आम आदमी का बैंक है ना तो आम आदमी का बैंक कौन सा है अब आम आदमी से किसी राजनीतिक पार्टी का अंदाजा मत लगाना आम आदमी मतलब हम लोग कॉमन मैन मैंगो पीपल तो आम आदमी का बैंक बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा फिर उसके बाद इधर पे आप एक और चीज याद रख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने सुना होगा कई बार ऐसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे होता है कि वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत प्यार से जो है डीलिंग नहीं होती जितना प्राइवेट बैंकों में मिलती है लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि भैया फालतू तो कोई बात नहीं करनी है सिर्फ बैंकिंग देनी है ऐसा किसका मानना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इसलिए उनका टेगलाइन उन्होंने रखा है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स मतलब हम सिर्फ बैंकिंग देंगे और कुछ नहीं देंगे तो भैया प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स ऐसा कौन बोल रहा है उसके बाद फिर बैंकर टू एवरी इंडियन मतलब हर भारतीय का बैंक है ना हर भारतीय का बैंक कौन सा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना सबसे पुराना सबसे बड़ा सबसे भरोसेमंद हर भारतीय का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रचार कर रहा हूं बढ़िया हाँ, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है चाहे तो मुझे कुछ दे सकता है मैं इतने बड़े लेवल पर प्रचार कर रहा हूं uh, us, मतलब ये कि जो राष्ट्र है वो हम पर भरोसा करता है हमारे साथ बैंकिंग करता है नेशन बैंक ऑन अस मतलब ये कि वो अपना पैसा सुरक्षित जमा कहां कर सकता है या कहां करता है हमारे पास हम कौन एस बी आई द नेशन बैंक ऑन ऐसा कौन बोल रहे फिर उसके बाद भैया एक और टैगलाइन है यहां पर विद यू ऑल द वे अब ये टैगलाइन आप कैसे याद रखोगे या आप पहचानोगे कैसे देखो याद ना रखना पड़े लेकिन आपसे ये भी पहुंचा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैगलाइन बिलोंग टू एसबीआई है ना इनमें से कौन सी टैगलाइन है जिसका संबंध एस बी से इनमें से कौन सी एस की टैगलाइन नहीं है अब ये पांच है ना इनमें से कोई दूसरी और टैगलाइन वो दे देगा तो आपको यह तो याद रखनी पड़ेगी ना मतलब वे तो भैया एस बी आई का ऐसे होता है ना सबसे आप किधर भी, भी रास्ते पे चले जाओ। पहले, कोई ATM आ, आपको मिलेगा एसबीआई स्टेट बैंक आप यहां पर याद रख सकते हो कि ये क्योंकि सब जगह है सर्वत्र है मतलब हर रास्ते पर आपके साथ है मतलब यू ऑल किसी भी रास्ते पर जाओगे आपको क्या मिलेगा एसबीआई तो इसलिए इसने अपनी टैगलाइन क्या रखी है यू ऑल द वे किसी भी रस्ते पे चले जाओ आपके साथ हर रस्ते पर आपके साथ विद यू ऑल द वे फिर भैया अगला है यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस आप हमेशा हमारे साथ बैंकिंग कर सकते हैं आप हमेशा हमारे पास पैसा जमा कर सकते हैं तो भैया ये भी है द नेशन बैंक ऑन अस यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस है ना ये दोनों ही जो है वो किसकी है एसबीआई की टैगलाइन है आप याद रखेंगे इंटरव्यू में आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि जब डिस्कशन काफी लंबा हो जाता है और इंटरव्यूअर जो है आपसे कुछ हल्की फुल्की बातें पूछना चाहता है तो वो लगातार ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेता है जिनके बारे में सोचा नहीं क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस होकर जाते हैं बहुत डीप और बड़ा बड़ा डिटेल में पढ़ के जाते हैं और फिर पता चला कि वो सब ना पूछते हुए ये पूछ लेता है कि भैया बता ना इस बैंक की टेगलाइन क्या टेगलाइन पर तो दिमाग कभी गया ही नहीं है ना तो आपको टेगलाइन जो है वो याद रखनी है रिटर्न के पर्पज से भी और इंटरव्यू के पर्पज से भी यूको बैंक यूको बैंक भैया अब यूको बैंक ऑनर्स ऑफ ट्रस्ट मतलब ये कि आपके विश्वास का सम्मान करता है है ना तो आप ये कैसे याद रखोगे तो थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखना आप यू मतलब अगर हम एस एम एस लैंग्वेज में बात करें तो यू मतलब क्या होता है तुम है ना यू को को बोले तो आप क्या बोले यूको बैंक मतलब आपका बैंक आपका बैंक है इसलिए क्या करता है वो आपके विश्वास का सम्मान करता है यूको बैंक है ना मतलब आपका बैंक यूको बैंक आपका बैंक है इसलिए वो आपके विश्वास का सम्मान करता है उसकी तो टेगलाइन क्या हो गई ऑनर्स योर ट्रस्ट है ना आपके विश्वास का सम्मान करता है ये सभी सरकारी बैंकों की टेगलाइन में आपको बता रहा हूं याद रखिए पब्लिक सेक्टर बैंक की टेगलाइन बता रहा हूं मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब याद रखो कि भैया यूनियन कौन से लोग बनाते हैं यूनियन वो लोग बनाते हैं जो अच्छे लोग हैं गुड पीपल है ना गुड पीपल जो है क्या करते हैं वो यूनियन बनाते हैं तो इसलिए लिख दिया भैया गुड पीपल टू बैंक विथ अच्छा एक टैगलाइन आपको याद है मैंने आपको पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले गुड पीपल टू ग्रो विथ

तो फ्रेंड्स ये थी जो है डिस्कशन सभी टेगलाइंस की अगर मैं आपको एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूं आपको बताऊं तो आप देखिए यहां पर जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है ट्वेल्व है ना बारह पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये जो बारह पब्लिक सेक्टर बैंक है मतलब ट्वेल्व पब्लिक सेक्टर बैंक है

उसके तो बाद एस से एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर यू से दो बैंक है यूनियन बैंक और यूको बैंक इज इजे क्लियर देखिए काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह समझ रहे बारह बैंक के नाम आपको याद रहेंगे आप बोलोगे कि भाई ऐसा क्या है तो मैं आपको बता दू वन ऑफ माई स्टूडेंट एक स्टूडेंट से एस बी आई पीओ के इंटरव्यू में पूछा गया था है ना मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं ये मेरा खुद जो है लाइव एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उस जो है स्टूडेंट से हमने जो है कभी ये डिस्कशन किया था इन नामों का और वो जो है इंटरव्यू के बाद मुझे आके बताता है कि सर डेफिनेटली हमने जो लाइट डिस्कशन किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और डेफिनेटली हुआ क्योंकि उन्होंने पूछ लिया कि सर आप जानते भी हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं हो और कौन कौन से तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% परसेंट कम से कम होती है मतलब 50% 50 परसेंट से ज्यादा ही होनी चाहिए वो जो है वो क्या कहलाते हैं सरकारी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक और उनके नाम याद करने का बढ़िया तरीका ये है कि भैया तीन बी दो सी दो आई दो पी एक एस और दो यू है ना बी सी आई पी एस यू आप ये ट्रिक बना लो अपनी बी सी आई पी एस यू बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिर इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक फिर पंजाब नेशनल बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक यूको बैंक हो गए बारह बैंक बारह बैंकों के नाम आपको याद रह सकते हैं क्लियर है ऐसे। अच्छा अब अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई थी तो याद है मैंने क्या बताया था बड़ोदा छोटा सा शहर लेकिन दुनिया भर में ब्रांचेस फैली हुई हैं गुजरात के वडोदरा से दुनिया भर में फैला हुआ है इसलिए इसकी टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडियाज इंटरनेशनल बैंक फिर बात हुई थी कहेगी बैंक ऑफ इंडिया मतलब यह कि बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलो तो क्या होता है भारत का बैंक तो भारत का बैंक तो भारत का बैंक है तो मतलब वो संबंधों को महत्व देता है तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग फिर इसके बाद क्या है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए आप लॉजिक याद रखिए कि महाराष्ट्र के लोग परिवार को बहुत महत्व देते हैं तो भैया क्या हो गया वन फैमिली वन बैंक है ना फिर इसके बाद कैनरा बैंक टुगेदर वी कैन कैनरा बैंक में शुरू में कैन आता है टुगेदर वी कैन उसके बाद फिर क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो मैंने बताया था भैया कि सेंटर कहां होता है चारों सेंटर के चारों तरफ कुछ ना कुछ होता है और वो बीच में होता है तो भैया क्या है सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस है ना मतलब ये कि चारों तरफ जो है अच्छी एक लाइफ बनाएंगे आपके अच्छा दूसरी बात ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक और था सेंट्रल टू यू सिंस 1911 सेंट्रल बैंक के नाम में सेंट्रल है और उसकी टेगलाइन में भी सेंट्रल है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 ये हो गया अच्छा फिर इसके बाद इंडियन बैंक अब इंडियन बैंक है तो मतलब क्या है ये भारतीय बैंक है 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 ना और ये क्या इंडियन ओवरसीज बैंक है तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मैंने आपको बताया था क्या बताया था इंडियन ओवरसीज बैंक का कि अगर ओवरसीज है मतलब समुद्र पार जा रहे हैं मतलब ये ऐसे अच्छे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं जो ऐसे अच्छे लोग हैं जो ग्रो करने में हेल्प करेंगे तो आप क्या बोलोगे गुड पीपल टू ग्रो विथ इज क्लियर है ना जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि मैंने कहा था पंजाब एंड सिंध बैंक अब पंजाब एंड सिंध बैंक जो है पंजाब एंड सिंध बैंक क्या है तो पंजाब एंड सिंध बैंक में मैंने आपको समझाया था कि पंजाबी और संधी जो है वो किस में अव्वल होते हैं सर्विस में तो वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ अच्छा उसके बाद फिर मैंने बताया कि ये पंजाब नेशनल बैंक है ना तो पंजाब नेशनल बैंक मतलब पंजाब के लोग पंजाब का क्या नाम ही काफी है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन ऐसा नाम जिसके साथ आप बैंकिंग कर सकते हो और पंजाब मैंने बताया था कि भैया पंजाबी पृष्ठभूमि पर मूवी बनी थी और उसमें एक डायलॉग था क्या था बड़े बड़े देशों में ऐसी बातें छोटी छोटी बातें होती रहती तो यहां पर आपको याद रखना है पंजाब के लिए क्या बड़े देश का बड़ा बैंक फिर भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया <coughs> तो कई सारी टेगलाइंस बताई थी मैंने जैसे बैंक ऑफ एवरी इंडियन हर भारतीय का बैंक विद यू ऑल द वे मतलब हर रस्ते पर आपके साथ प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है ना तो ये जो है वो किसकी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन कौन बनाते दो अच्छे लोग होते हैं बताया था तो भैया गुड पीपल टू बैंक विद क्लियर है अच्छा फिर उसके बाद ये क्या है यूको मतलब बैंक यूको बैंक मतलब तुम्हारा बैंक इसलिए तुम्हारे विश्वास का सम्मान करता है तो ऑनर्स योर ट्रस्ट तो इस तरह से बेसिकली आप जो है वो ट्रिक्स को याद कर सकते हैं ये तरीका मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स उम्मीद है ये सभी ट्रिक्स जो हैं वो आपको पसंद आई होंगी और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है इसे याद करने के लिए तो वो भी हमें बताइए आगे और इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं क्या पढ़ना चाहते हैं कैसे पढ़ना चाहते हैं सब हमें बताइए चलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए हम मतलब मैग्नेट ब्रेन डेडिकेटेड हैं आपको पढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन यही हमारा ध्यय है क्योंकि आपका सिलेक्शन है हमारा सेटिस्फेक्शन फ्रेंड्स लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए शेयर करते रहिए क्योंकि वो लोग जो एजुकेशन के लिए पैसा नहीं पे कर सकते हैं उनके लिए संजीवनी का काम कर रहा है मैग्नेट ब्रेन और मुझे लगता है कि चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का स्टूडेंट है अगर आपको लगता है कि वो टैलेंटेड है और अगर आपको लगता है कि पैसा जो है उसकी पढ़ाई में बाधक है तो मत रुकिए मत रोकिए अपने आप को और जरूर बता दीजिए हमारे बारे में कि मैग्नेट ब्रेन जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के लिए फिलहाल इतना ही थैंक यू everyone, Jai Hind.